Welcome to my YouTube channel. So, in today's video, we are going to discuss about the exercise solutions of class 10th political science chapter 2, which is federalism. So let's begin. First question locate the following states on a blank outline political map of India Manipur, Sikkim, Chhattisgarh and Goa. So in his states ko outline political map of India, pe show karna hai. तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की सिक्किम का लोकेशन यहाँ आप देख सकते हैं नेपाल और भूटान के ठीक बीच में ये वाले पार्ट में ये फेमस है कंचनजंगा के लिए फिर यहाँ पे जो ग्रीन कलर आ, है ये क्या है मणिपुर फिर देखिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो है वॉयलेट कलर से मार्ग है ये क्या है छत्तीसगढ़ नेक्स्ट इज गोवा तो यहाँ ये जो सबसे छोटा सा ग्रीन सा पोर्शन दिख रहा है गोवा जो कि स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का यहाँ पे इसे मार्क किया गया है तो आप ऐसे ही मार्क और लोकेट करें लेबल करें नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई एंड शेड थ्री फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड तो हमें एक पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड पे क्या शो करना है ऐसे तीन फेडरल कंट्रीज शो करने हैं अदर देन इंडिया इंडिया के अलावा तो ये जो एन में ही वर्ल्ड मैप दिया गया था उसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग और आप अपने चॉइस के किन ही तीन फेडरल कंट्रीज़ को मार्क कर सकते हैं सो so ये जो भी रेड पोर्शन से कलर्ड है शेडेड है वो आप समझिए कि फेडरल कंट्रीज़ है और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में शेड करने को कहा गया था तो यहाँ ब्लैक पेंसिल से इसे शेड किया गया है तो आप अपने चॉइस के भी कंट्रीज़ मार्क कर सकते हैं हमने यहाँ मार्क किए हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और रशिया तो फेडरल कंट्रीज वो हैं जो कि शो करती हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर यानी कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पावर्स जो है डिवाइडेड है शेयर्ड है और वर्ल्ड के आउट uh, ऑफ 193 सिर्फ 25 कंट्रीज ही हैं जहां पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है और इन कंट्रीज का जो फेडर जहां पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है ये पॉपुलेशन बनाते हैं अप टू फोर्टी और ज्यादातर वर्ल्ड के लार्ज कंट्रीज फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि अपना इंडिया रशिया ब्राज़ील कैनेडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दे आर मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम तो हमें ऐसा फीचर बताना है फेडरलिज्म का जो कि इंडिया और बेल्जियम में एक समान हो और एक ऐसा फीचर बताना है जो कि इन दोनों कंट्रीज में डिफरेंट हो पहले हम बात करेंगे सिमिलर फीचर की बोथ इंडिया एंड बेल्जियम आर होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन इट मीन देयर इज वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर एट सेंट्रल लेवल एंड रीजनल और प्रोविंशियल लेवल यानी कि फेडरेशन वर्ड का मतलब ही है कि पावर जो है वो शेयर हो रही है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पे और ये कैसे टाइप के फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमने चैप्टर में पढ़ा है कि दो टाइप के होते हैं एक होता है कमिंग टुगेदर जिसमें छोटे छोटे कंट्रीज एक साथ अपनी सोवरेनिटी को पूल करके एक बेगर यूनिट बनाती हैं और इस तरह से आ, ये होता है कमिंग टूगेदर बहुत सारी यूनिट्स आ गई और एक बिग कंट्री बन गई जिसमें पावर जो है डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट पे और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जिनमें जो कंट्रीज हैं जो कि यूनियन ऑलरेडी हैं कई सारे रीजन्स का कई सारे स्टेट्स का वो क्या करती हैं डिसाइड करती हैं अपने सेंट्रल पावर को स्टेट पावर के साथ शेयर करने का तो ये इस टाइप का फेडरेशन है इंडिया और बेल्जियम ये एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होता है होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो पावर शेयरिंग है वो जनरली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल शेयरिंग होती है पावर की जबकि ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और अन पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट स्टेट्स में अब बात करते हैं डिसिमलर फीचर की इन बेल्जियम अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जिट वेयर एज इन इंडिया देर इज़ नो सच गवर्नमेंट तो देखिए बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होने के अलावा भी एक तीसरे प्रकार का गवर्नमेंट है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है जिसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही वोट कर सकते हैं और अपने लीडर को चुन सकते हैं ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसा कोई सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिट्री वन एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल तो हमें यहाँ पे प्रमुख डिफरेंस बताने हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और एग्जाम्पल्स भी देने हैं तो सबसे पहले फेडरल फॉर्म क्या होता है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री तो फेडरलिज्म वो सिस्टम कहलाता है जिसमें जो पावर है गवर्नमेंट की वो सेंटर सेंट्रल पावर और स्टेट पावर यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो कंट्री को बना रही हैं स्टेट्स उनमें डिवाइडेड रहती है ठीक है और यूनिटरी फॉर्म क्या है अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी सिस्टम में ऐसे तो एक ही लेवल का गवर्नमेंट होता है जो कि सेंटर पे काम करता है लेकिन यहाँ पे सब यूनिट्स भी हो सकते हैं और ये सब यूनिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं यानी कि सारा पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो ये क्या कहलाएगा यूनिटरी फॉर्म जिसमें सेंट्रल पे सेंट्रल के पास सारे पावर्स फोकस्ड है और फेडरल फॉर्म में वहां जहां पे पावर्स सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड है चलिए फेडरल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है इंडिया है इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है और यूनिटरी फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है श्रीलंका वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पावर है रखती है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट एनी टू डिफरेंसेज बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन नाइनटीन नाइन्टी टू तो हमें दो मेजर डिफरेंसेज बताने हैं लोकल गवर्नमेंट में जो कि लोकल गवर्नमेंट नाइनटीन नाइन्टी टू से जो पहले वाली लोकल गवर्नमेंट थी और बाद में नाइन्टीन नाइन्टी टू में जो अमेंडमेंट आया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल चेंजेस लाए गए एडिशनल चेंजेस लाए गए उनके बाद लोकल गवर्नमेंट कैसा था तो ये दोनों गवर्नमेंट के बीच में हमें चेंजेस हैं तो आखिर 1992 में ऐसा हुआ क्या था 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए थे ताकि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए और जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग हो सके तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन और इसके पीछे रेशनली क्या है लॉजिक क्या है तो ये है कि जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने के लिए कुछ लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए क्योंकि लोकल अथॉरिटीज ही तो जान पाएंगी कि कौन सी एरियाज में कहाँ क्या, क्या काम करना है इसलिए 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए और डिसेंट्रलाइजेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो कैसे लोकल बॉडीज लोकल गवर्नमेंट देखते हैं कैसे चेंज हुए बिफोर नाइन्टीन नाइनटी टू लोकल बॉडीज़ वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि नाइनटीन नाइनटी टू से पहले लोकल बॉडीज़ जो थीं जैसे कि पंचायती राज मुंसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसपैलिटी ये सब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वह अपना इन्फ्लुंस डाल सकता था इन बॉडीज़ पर बट आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ बट 1992 के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें क्या चाहिए कि वो अपने कुछ पावर्स और रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स कलेक्ट होता है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करें यानी कि पावर शेयर हो और रेवेन्यू भी मिले लोकल बॉडीज़ को ताकि अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए तो ये देखिए ये क्या है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर शेयरिंग हुआ नेक्स्ट पॉइंट बिफोर 1992 नाइनटी टू इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली 1992 टू से पहले ये जो लोकल बॉडीज हैं इनके इलेक्शंस ठीक से नहीं होते थे कोई फिक्स टाइम नहीं था कभी भी इलेक्शन होने का

सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन तो यूनाइटेड स्टेट्स कौन से प्रकार का फेडरेशन है फेडरेशन दो प्रकार के होती हैं होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ये कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है इसलिए आंसर है कमिंग टुगेदर और कौन कौन से कंट्रीज एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर के तो ये हो गए स्विट्जरलैंड uh, और ऑस्ट्रेलिया इनमें क्या होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो इक्वली स्ट्रांग होती हैं नेक्स्ट पार्ट ऑल द कॉन्स्टिटुएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेट्स आर यही कहा गया है कि कमिंग टूगेदर फेडरेशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनके पावर्स बराबर होते हैं और स्टेट्स भी इक्वली स्ट्रांग होते हैं बट इंडिया इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन पर इंडिया कैसे टाइप का फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर और कौन कौन से कंट्रीज इसके एग्जाम्पल हैं तो स्पेन एंड बेल्जियम और इसमें क्या होता है कि पावर शेयरिंग सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर स्ट्रांग होता है एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर्स इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स दैन द स्टेट गवर्नमेंट तो ये था और इसके आंसर्स Next question. Here are three reactions to the language policy followed in India. Give an argument and an example to support any of these positions. Sangeeta says the policy of accommodation has strengthened national unity. Arman uh, states that language based states have divided us by making everyone conscious of their language. And Hari says that this policy has only helped to consolidate the dominance of English. ओवर ऑल अदर लैंग्वेज़ तो यहाँ पर कुछ तीन रिएक्शन्स दिए गए हैं जो कि ये जो संगीता अरमान और हरीश हैं इन्होंने लैंग्वेज पॉलिसी के रियाक् रिएक्शन में दिया है तो हमें क्या करना है हमें जो सही लगता है आर्गूमेंट उसे सपोर्ट करना है और साथ ही एग्जाम्पल देना है सपोर्ट में तो संगीता कहती है कि ये जो पॉलिसी है एकोमोडेशन का इसने नैशनल यूनिटी को और भी ज़्यादा मजबूत किया है जबकि अरमान कहता है ये जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स का क्रिएशन हुआ था इसने क्या क्या है सभी को डिवाइड किया है और सभी अपने लैंग्वेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस प्रोटेक्टिव हो गया है हरीश क्या कहता है कि ये पॉलिसी है ना जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स क्रिएशन की है और जो लैंग्वेज पॉलिसी हमारे कंट्री में फॉलो की जा रही है इसने सिर्फ इंग्लिश को ही डोमिनेंट लैंग्वेज बनाया है और भी सारे लैंग्वेजेस के ऊपर तो सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है संगीता का है द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेथन नेशनल यूनिटी देखिए आंसर है द आर्गूमेंट पुट फॉरवर्ड बाई संगीता इज मोस्ट लॉजिकल एंड सेंसिबल द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आन द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोअ इन आवर कंट्री हैज हेल्प इन फर्स्ट मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सेकेंड मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन इजियर थर्ड एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी तो जो संगीता ने आर्ग्यूमेंट दिया है वो सबसे ज्यादा लॉजिकल है और सेंसिबल भी है ढंग का आर्ग्यूमेंट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स का क्रिएशन हुआ हमारे इन इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद लैंग्वेज के बेसिस पे और जो लैंग्वेज पॉलिसी हमारे कंट्री में फॉलो की जाती है हमारे कंट्री में तो ये सब जो हमने एकोमोडेशन किए हैं अपने पॉलिसीज में उससे क्या हुआ है हमारे कंट्री की यूनिटी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन हुई है और इससे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्रिएशन से एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है और हमने रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट किया है इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश 1953 फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसका क्रिएशन हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे कौन से लोगों के लिए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज तो इनमें से वो कौन सा फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का जो इसे बाकी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करता है पहला ऑप्शन है नेशनल गवर्नमेंट गिव समशियल गवर्नमेंट दूसरा ऑप्शन है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो ये तो हॉरिजेंटल लेवल uh, है पावर शेयरिंग का तीसरा ऑप्शन है इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट तो इसमें तो सारा पावर कुछ ही लोगों के पास इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास ही है तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं फोर्थ ऑप्शन है गवर्नमेंटल पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड है यानी कि वर्टिकल डिविजन हो रहा है पावर्स का और ये क्या है फेडरल फीचर है गवर्नमेंट का पावर शेयरिंग सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे आंसर है डी नेक्स्ट क्वेश्चन अ फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर ग्रुप देम अंडर द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो तो यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें ग्रुप करना है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में पहला है यूनियन लिस्ट तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेट लिस्ट इसमें क्या क्या है पुलिस एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ये सारे सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है एजुकेशन फॉरेस्ट एंड मैरिजेस तो यूनियन लिस्ट कैसा लिस्ट है इसमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं जैसे कि डिफेंस बैंकिंग कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे फॉरन अफेयर्स करेंसी ये सब सब्जेक्ट जो है इस यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं और इनमें लेजिसलेट कौन कर सकता है इन सब्जेक्ट्स पर लॉज कौन बना सकता है तो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में क्या होते हैं जो कि स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं और क्या क्या है पुलिस एग्रीकल्चर ट्रेड और इरिगेशन कॉमर्स ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं इनमें कौन लॉज बना सकता है इन सब्जेक्ट्स पे तो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है फिर है कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट जो कि नेशनल और स्टेट लेवल दोनों ही कॉमन इंटरेस्ट के हो ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन फॉरेस्ट मैरिज ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं और इनमें लॉज कौन बनाता है इन सब्जेक्ट्स पे तो दोनों ही के पास पावर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और अगर इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई विवाद होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो प्रवेल करेगा स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर और भी जो सब्जेक्ट जो इन लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है वो रिजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर ये सब इंक्लूड है इस रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में और इनके ऊपर लॉज कौन बनाता है यूनियन गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिंग द फॉलोइंग पेयर्स दैट गिव दफ़ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड द पॉर्स ऑफ द गवर्मेंट एट दैट लेवल टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मैं अगेंस्ट ईच विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैस्ड तो हमें नीचे दिए गए फॉलोइंग पेयर्स को अच्छे से एग्जामिन करना है और देखना है कि कौन सा सही लिस्ट और गवर्नमेंट जिन जो लॉज बना सकता है लिस्ट पे इनका पेयर दिया गया है तो इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे बनाएगी ये करेक्टली मैच्ड है सेकेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे ये भी करेक्टली मैस्ड है फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कौन करेंट लिस्ट पे बनाएगी ये भी करेक्टली uh, मैस्ड है लोकल गवर्नमेंट एंड रेजिड्योरी पावर्स ये लिस्ट करेक्टली मैच्ड नहीं है तो लोकल रेजिड्योरी पावर्स पे कौन लेजिस्लेट uh, करता है कौन लॉज बनाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट तो हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से सही आंसर को मैच करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच ऑप्शन दिया गया है पहला है यूनियन ऑफ इंडिया ये होगा ए प्राइम मिनिस्टर स्टेट स्टेट लेवल पे कौन है गवर्नर मुनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर एंड ग्राम पंचायत सरपंच तो सही होगा ए फिर है सी फिर है डी और बी तो ये है ए सी डी और बी सी ये ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए इन फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड तो जो फेडरल फॉर्म है पावर शेयरिंग का उसमें जो पावर्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं बी है इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्मेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन दियर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर्स स्पेसिफाइड हैं और उनका अपना एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है जिस क्षेत्र में वो काम करेंगे जिन सब्जेक्ट्स पर वो काम करेंगे ये एक्सक्लूसिवली uh, मैंशनड है ठीक है ये भी फिर है सी श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इन टू प्रोविसेज तो श्रीलंका फेडरेशन नहीं है इस कंट्री में सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है श्रीलंका एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गौर्म गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करता है डी इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ अ स्टेट हैिवॉल्व टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज तो इंडिया इज नो लॉन्गर फेडरेशन ये तो कहना गलत है इंडिया अभी भी फेडरेशन है इसने और डिसेंट्रलाइज किया है तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हो गया है तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अव करेक्ट तो दो स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट है आंसर है सी ए एंड बी ओनली सो इन दिस वे वी डिस्कस्ट द होल एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ क्लास टेंथ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर टू विच इज फेडरलिज्म तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स